हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई मूवी देखने से पहले ये जरूर देख लेना, बॉलीवुड मूवीज हिडन सीक्रेट एनिमल कंतारा। चलो भैया देखें क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई, मैं हूं फैक्ट भाई और ये सुनकर भी रोंगटे खड़े हुए थे। और अब कंतारा के एक लुक ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। पर फर्स्ट लुक देखकर सब परशुराम या शिवजी के वंशज होने की डिबेट में अटक गए हैं। लेकिन इसकी डिकोडिंग से पहले फैक्ट भाई इस सीन पे लाइट डालेगा। अच्छा, ये भी तो जिसका डायरेक्ट उल्टा बोले तो मूवी में बॉबी देओल का मरना तय है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सलार वर्सेस केजीएफ के रॉकी भाई की फाइट। सलार के टीजर के आते ही लोगों ने फिक्स कर डाली थी। पर ये दोनों कहानियां एक हैं या नहीं, यही तो मैं बोली थी ये वाली क्लिपिंग। आइए शुरू करते हैं। नंबर वन, पुष्पा कहाँ है? फ्लावर नहीं, फायर है पुष्पा। ये तो इंडिया का बच्चा बच्चा समझ चुका है। लेकिन पुष्पा 2 का टीजर देखने के बाद भी आपको जो नहीं समझा, आज फैक्ट भाई उन्हीं की बात करेगा। तो टीजर की शुरुआत में ही बताया कि पुष्पा भाग निकला है। वहीं पूरा टीजर एक तरह से हर न्यूज चैनल की कवरेज को मिलाकर बनाई एक कहानी है। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। जो ये बताता है कि पुष्पा से बड़ी खबर पूरे देश में दूसरी नहीं है। इसके अलावा टीजर में जापान, मलेशिया और चाइना, मतलब कहानी इंटरनेशनल जा चुकी है। पर फिल्म के पोस्टर की डिजाइन और लिखावट चाइना से गहरा कनेक्शन दिखा रही है। और जितना पुष्पा का टीजर वायरल हुआ है उतना ही पुष्पा का अर्ध नारेश्वर लुक जो तीन वजह से फिल्म में हो सकते हैं। पहला तिरुपति का गंगम्मा जठारा, जिसके बीच होगा धमाकेदार एक्शन। दूसरा, पुष्पा ने पुलिस से भागने के लिए ये लुक लिया। और तीसरा, सेकंड पार्ट में श्रीवल्ली मारी जा चुकी है जिस वजह से पुष्पा इस तरह उसका बदला लेने पहुंचा है। इसकी असली वजह तो 15 अगस्त 2024 को ही सामने आएगी। पर आपको तीनों में कौन सी वजह राइट लगी कमेंट में बताओ। 15 अगस्त तो बड़ी दूर है। वर्दी जिसकी जान। सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। इसी सोच ने सैम मोनिक शाह को सैम बहादुर बनाया था। और 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हो रही इस फिल्म के ट्रेलर ने साफ कर दिया है कि फिल्म में नाम की डायलॉगबाजी नहीं, अपनी लाइफ में 5 वॉर देखने वाले एक आम आर्मी ऑफिसर से इंडिया के सबसे पहले फील्ड मार्शल बनने वाले उस ऑफिसर की कहानी है जिसने कभी भी अपनी जान को अपने वतन के ऊपर नहीं रखा। और ट्रेलर देखकर ही आप ये भी समझ जाओगे कि मेघना गुलजार ने इस फिल्म में हर एक छोटी से छोटी डिटेल को इस तरह मूवी में इंक्लूड किया है कि आप उन्हें नोटिस किए बिना रह ही नहीं सकते। जैसे उनके वर्दी पे लगे स्टार्स और दूसरे बैचेस। यही नहीं, फिल्म में उनकी फेवरेट बाइक भी दिखाई गई है जिसे उनके दोस्त 1000 रुपए भेजने का प्रॉमिस करके पाकिस्तान ले गए थे पर वहाँ पहुँचकर भूल गए। और जब 1971 में पाकिस्तान ने अपना आधा हिस्सा खोया तब सैम बहादुर बोले कि उन्होंने 1947 में लिया लोन आधा देश देकर चुका दिया है। नंबर 3, पापा मेरी जान। उन्होंने डायरेक्शन खत्म किया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं सीधा अपने बाथरूम में गया और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था, थिंकिंग कि यार ये क्या सुना दिया इसने, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। और ये कहना जायज भी है क्योंकि एनिमल के ट्रेलर का पहला ही सीन काफी तकड़ा है। पूरा संजय दत्त दे रहा है, मेरा नहीं हूं मैं। लेकिन जहाँ रणवीर पहले सीन में माइकल जैक्सन के फैन होने का दावा कर रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में, यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन, वहीं वो दावा कर रहे हैं, वो आपको मूवी के पापा मेरी जान सॉन्ग में साफ साबित हो जाएगा। वहीं मूवी की सबसे हिडन कैरेक्टर लॉर्ड बॉबी है जिसे अभी तक एक भी डायलॉग नहीं दिया गया। मगर खबरों के मुताबिक शायद ये मूवी में एक म्यूट विलेन का रोल प्ले करेंगे। और पूरे ट्रेलर की हाइलाइट्स की अगर बात करें तो वो थी बॉबी और रणवीर की फाइट। मगर इसमें भी एक हिडन मैसेज है। इसमें बॉबी रणवीर को बेरहमी से मारते हैं और वही सीन कट किया गया है। परफेक्ट भाई की माने तो भाई लोग ये सीन देखो, ये वही फॉर्मल पैंट है जो रणवीर ने उस फाइट में पहनी है। और पापा में जान के आखिरी सीन में जो प्लेन दिखाया था शायद उसमें रणवीर बॉबी को ही मार के वापस आ रहे होंगे। पर इस सब के बीच बॉबी का ये नेकलेस और एनिमल मूवी के लोगो के सेम आकार होने के फैक्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीक्वल तक रॉकी भाई वर्सेस सालार होगा, ये सवाल लोगों के दिलों में तब से है जब से सालार का पहला लुक सामने आया था। और टीजर के बाद तो लोग रुके ही नहीं, किसी ने केजीएफ के आर्मी सीन को कंपेयर करके सेम बताया तो किसी ने कहा कि केजीएफ का फरमान मरा नहीं और वही बनेगा सालार। लेकिन सालार के सीक्वल के साथ दोनों फिल्मों में गरुड़ा के होने से इसके प्रीक्वल की थ्योरी भी आई है। पर बेस्ट थ्योरी अवार्ड तो 5/12 को ही मिलेगा जिसने टीजर के 5/12 और केजीएफ के एल डोराडो का कनेक्शन दिखाया।
बताया था, मतलब A is equal to 1, B is equal to 2, तो E is equal to 5 और L is equal to 12 और EL से एल्डोराडो ही होगा ना। लेकिन अगर आप इन थ्योरीज में बह गए तो ठहरो, क्योंकि खुद फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने 1 दिसंबर को आने वाले ट्रेलर से पहले गिरा दिया है बॉम्ब, ये कहकर कि ये दोनों कहानियां अलग हैं और सलार फिल्म का कोर इमोशन फ्रेंडशिप है। पर इस रिपोर्ट में वेरीफाइड ठप्पा तो फिल्म आने पर ही लगेगा। नंबर 5 दोबारा ये आवाज कई दिनों तक थिएटर्स में गूंजती रही। इतनी 16 करोड़ में बनने वाली कंतारा को लोगों ने करीबन 400 करोड़ दिलवा दिए और वही मैजिक दोहराने कंतारा चैप्टर 1 आ रहा है। और जहां पहला मूवी सस्ते में बनाया था, वहां दूसरे मूवी के पहले 125 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मूवी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कंतारा का प्रीक्वल यानी पहले की स्टोरी रहेगी। और अगर आपने इस पर ध्यान दिया होगा तो इस परिवार का साम्राज्य 4th century में था। इस परिवार के वॉरियर्स 3 आंखों वाले और 4 हाथों वाले थे और कहा जाता है कि इनका जन्म शिव भगवान के पसीने से हुआ था। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि कदमबाज शिव भगवान और भूदेवी की संतान है और ऐसी ही डिटेल मूवी के पोस्टर में भी छुपी हुई है, जिसमें एक सर्कल में से कई डकैत लड़ाई के लिए आते हैं, वैसा ही सर्कल जैसे कंतारा में दिखाया गया था। मतलब एक बात तो तय है कि दोनों ही मूवी आपस में जुड़ी होंगी। नंबर 6 डंकी। पूरा हिंदुस्तान आज लुटपुट गया है क्योंकि SRK का 2023 में तीसरा मूवी जो आ रही है। पहला ऐसे 2004 में हुआ था जब और मैं हूं ना एक ही साल रिलीज हुई थी। पर डंकी SRK की सबसे यूनिक मूवी में से एक रहेगी क्योंकि इसमें वो पहली बार राजकुमार हिरानी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जहां मूवी के अनाउंसमेंट पर लोगों को इसका टाइटल डंकी जैसा सुनाई दिया, वहीं SRK ने इसका मीनिंग सरहद पार होते गैर कानूनी ट्रैवल बताया। वहीं ड्रॉप 1 के पहले ही सीन में हमें SRK और उसकी पलटन रेगिस्तान में चलती दिखाई देगी और उन पर एक स्नाइपर तनी हुई होती है, यानी शायद ये दूसरे देश से अपने देश गैर कानूनी सफर कर रहे हैं या कहानी कुछ और है। इनफैक्ट उसी फ्रेम में आपको SRK की पलटन से विकी कौशल भी गायब मिलेंगे, यानी शायद वो लीगली परदेश चले गए हैं। ऐसी डिटेल डंकी के ड्रॉप 2 में भी है, जहां आपको गाने में बैकग्राउंड डांसर पर कई देशों का झंडा मिलेगा और जिस टंकी पर SRK डांस कर रहे हैं वैसे टैंक्स आपको पंजाब के कई गाँव में मिलेंगे। अब बस वाले ड्रॉप का इंतजार रहेगा। नंबर 7 जंग की तैयारी। मार्वल के पास है एवेंजर्स, DC के पास है जस्टिस लीग और यशराज के पास है स्पाई यूनिवर्स। अब इसमें जॉन और इमरान के बाद जूनियर NTR की एंट्री होगी। इस बात की खबर एक खबरी ने दी और कहा कि जूनियर NTR स्पेन में अपने बॉडी डबल के बिना एक्शन सीन्स शूट कर रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि NTR साहब पूरे स्पाई यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलेन साबित होंगे और जैसे पहले मार्वल में सोलो मूवीज का चलन निकला, वैसे ही इस स्पाई यूनिवर्स में भी सोलो मूवीज निकालकर सबसे विलेन लाया जा रहा है। इसके बाद शायद हमें ऋतिक, शाहरुख और सलमान एक मूवी में NTR से लड़ते नजर आ सकते हैं। मगर जहां टीजर के अंदर कर्नल लूथरा कबीर को एक डार्क मिशन पर भेज रहे हैं। वो अंधेरे में रहता है कबीर, उसे रोकने के लिए तुम्हें भी उसी अंधेरे में उतरना पड़ेगा। टीजर के अंत में हमें कबीर ही एक विलेन के तौर पर बताया जाता है। पर क्या ये सब एक सोची समझी चाल होगी और क्या स्पाई यूनिवर्स बस एक सस्ता एवेंजर है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8 जंगल का कांड। 20 दिसंबर 2024 अभी से अपने कैलेंडर पर मार्क कर लो क्योंकि 9 सालों के बाद वेलकम का वेलकम होने वाला है। अच्छा। और अगर अक्षय कुमार की बात करें तो भाई लोग वो इस फ्रेंचाइजी में लगभग 17 साल के बाद नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस मूवी में फेमस सर्किट और मुन्ना की जोड़ी भी दोबारा दिखाई देगी। पर गौर करने वाली बात ये है कि इस मूवी का नाम वेलकम टू द जंगल है, ना कि वेलकम 3, यानी नो सीक्वल। और जहां तक इस मूवी की स्टोरी का सवाल है तो IMDB पर वो ऑलरेडी डाल दी गई है। इसमें दो पुलिस वाले जय और संध्या राज सोलंकी नाम के एक विलेन को पकड़ने निकलते हैं, पर फिर पता चलता है कि जय बख्शी की जिंदगी में राज की एक खास जगह रह चुकी है। मगर क्या लगता है, वेलकम के टीजर में उल्टा खड़ा इंसान उदय शेट्टी है या मजनू भाई? तो भाई लोग ये फिल्में जिनके ट्रेलर तो आपने देखे थे पर आज उनमें छुपे हुए राज देखकर आप हिल गए होंगे, राइट? वेल, आप इन सारी फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी आई बटन पर क्लिक करने पे आपको मिलेगा आपके फेवरेट स्टार के लाइव टीवी पर बताए राज का पर्दाफाश बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। मुझे तो वेलकम अब ज्यादा वो कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी हंसी मजाक की हो गया, बहुत टू मच वायलेंस और सीरियस मूवीज हो गई हैं। अब मुझे वेलकम का है कि अच्छी बनाई हो, अच्छी कॉमेडी हो कि हंसे, हाँ कि फैमिली के साथ देख सके। मुझे, मैं तब से वेट कर रही हूँ कोई ऐसी अच्छी मूवी हो जो फैमिली के साथ बैठ के मजे से देख के उसके बाद जब उठे तो लगे यार बड़ा मजा आया देखने में, या तो बोले कि यार पेट दर्द हो गया हंस हंस के, क्या मजेदार मूवी थी, ऐसी देखने का बहुत टाइम से मन कर रहा है अब। और जो मैं कौन सी थी वो, हाँ, सायम बहादुर,
उसमें कहीं पे मैंने पढ़ा है कि उस वो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वो पूरी फैक्ट्स के ऊपर नहीं है। और कहीं पे मैं ये भी देखा था कि क्या बता रहे थे वो कि जो उनके साथ बहुत मिसट्रीटमेंट की थी कांग्रेस ने, खासकर इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उन्होंने सुनना नहीं, वो देश के लिए इंदिरा गांधी से भी भिड़ गए थे। तो कह रहे उनकी पूरी लाइफ में इंदिरा गांधी और कांग्रेस उनसे बदला ही लेते रह गए और उनकी बल्कि जो पेंशन या उनकी जो तनख्वाह थी वो कब तक रोके रखी, उनको पैसे ही नहीं दिए, इस तरह से उनको इतना दुखी किया हुआ था उनके। और जब उनकी डेथ हुई है तो कोई भी मिनिस्टर, कोई कांग्रेस ने किसी को नहीं भेजा था कि उनकी जब डेथ हुई है उसके बाद जो लास्ट राइट्स होती हैं जो, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए कोई नहीं आया था जिसने देश के लिए इतना कुछ किया। वहां पे ये पॉलिटिशियंस जो हैं पॉलिटिक्स को ये देखा है, ये सुनने, वो कह रहे हैं सब कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। तो मतलब पूरी 100% जो है रियलिटी पे नहीं है ऐसा कहना है, मानना है, मुझे नहीं इतना पता, मैं तो जो आप लोगों ने लिखा था वो पढ़ के बता रही हूँ उसके हिसाब से। तो वो अगर नहीं किया तो ऑब्वियसली रीज़न होगा कि भाई पब्लिक तो अब स्मार्ट है, तो अगर ये है और पब्लिक को ये फील हो रहा है तो हो सकता है इसी वजह से लोग नहीं गए हैं, पता नहीं। मैं देखिए काफ़ी सारी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं, मूवी तो काफ़ी अच्छी लग, अब जैसे जैसे मूवीज़ आगे जाएंगी लोग देखना शुरू करेंगे तब फीडबैक सब चल जाएगा विच आर डूइंग ग्रेट विच आर नॉट। हाँ बताना भैया सैम बहादुर अगर आप देख के आए हो कैसी लगी है, एनिमल का तो पता चल गया पर सैम बहादुर का कोई भी नहीं कोई जिक्र हो रहा, तो वो भी बताओ कि भैया अगर आप देख के आपको कैसी लगी, कितना आपको लगा कि बहुत क्लोज टू द ट्रूथ है, क्योंकि देखना तो तभी मजा आता है जब आप बिल्कुल सच्चाई दिखाओ, पूरा 100% जो है अपना दो उस मूवी को सच्चाई दिखाने के लिए। तो एनीवे पर काफ़ी सारी मूवीज़ आ रही हैं, छुट्टियों का टाइम भी आ रहा है, क्रिसमस का टाइम आ रहा है दिसंबर, तो अच्छी अच्छी मूवियाँ देख के अपना छुट्टियाँ मनाएंगे भैया, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।